हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे आप कोई भी नंबर को पता कर सकते हैं, ये ऑड है या इवन है। कैसे आप कोई भी नंबर से पता कर सकते हैं ये ऑड है या इवन है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना टाइटल लिख लेते हैं, टू प्रिंट वेदर गिवेन नंबर इज ऑड और इवेन, यानी कि दिया गया जो नंबर है वो इवेन है या ऑड है, इसको प्रिंट करेगा। ये हमारा टाइटल हो गया आज का। दोस्तों, इसके नीचे से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर देते हैं। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसके बाद दोस्तों, आपको एक मेन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जो क्या void है, void main। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इंटीजर टाइप एक आई नाम से वेरिएबल ले लेते हैं। दोस्तों, एक चीज़ याद रहे, जो भी चीज़ हम लिखेंगे उसके लास्ट में हम सेमी कॉलन से उस लाइन को हम क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों, हमको एक मैसेज प्रिंट करना है कोई भी नंबर को इनपुट कराने के लिए। हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ इंटर ए नंबर। ये दोस्तों आपका मैसेज प्रिंट हो गया। इसके बाद दोस्तों, ये जो मैसेज प्रिंट हुआ है उसको हम क्या करना पड़ेगा, अब स्कैन अप कराना पड़ेगा, यानी कि स्कैन अप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा हमको। स्कैन अप परसेंट डी, ये तो दोस्तों पता ही है परसेंट डी क्यों लिखे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल यूज़ किए हैं, तो परसेंट डी हो गया। और फिर क्या इनपुट स्कैन कराना है, आई का वैल्यू, तो यहाँ पे आई लिख दिए, एम परसेंट आई। ये सेमी कॉलन क्लोज हो गया। इसके बाद दोस्तों, अब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। वो क्या लॉजिक है देखते हैं। यहाँ पे आपको इफ कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, इफ आई परसेंट टू इक्वल टू जीरो। अब आप सोच रहे होंगे ये परसेंट टू हम क्या दिए। दोस्तों, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले प्रोग्रामिंग देख लेते हैं आगे क्या होता है। फिर दोस्तों, यहाँ से हम कर्ली ब्रैकेट से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक मैसेज प्रिंट करने के लिए फिर से प्रिंट एफ द नंबर परसेंट डी, यानी कि ये जो नंबर है आई का, जो आई जो भी हम आई को इनपुट करेंगे, आई का वैल्यू जो भी इनपुट करेंगे यहाँ पे वो नंबर डिस्प्ले होगा, इज इवेन। ये दोस्तों ब्रैकेट हम स्टार्ट किए थे, ये क्लोज कर दिए। अब फिर से इफ और फिर एक एल्स का एल्स स्टेटमेंट हमको यूज़ करना पड़ेगा, इफ एल्स स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। फिर से यहाँ से एक ब्रैकेट स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं कर्ली ब्रैकेट। फिर से आपको एक
मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट एफ द नंबर परसेंट डी इज ऑड। ये दोस्तों मैसेज प्रिंट हो गया। इसके बाद आपको एक और एक प्रिंट एफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, आपको प्रिंट एफ ये दोस्तों लाइन को ब्रेक करने के लिए हम ये चीज़ का यूज करते हैं। इसके बाद आपको एक लास्ट टाइम फिर से एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जो कि गेट सी एच नाम से फंक्शन होता है। फिर ये जो ब्रैकेट हम स्टार्ट किए थे यहाँ पे क्लोज हो गया। ये दोस्तों आपका पूरा प्रोग्रामिंग हो गया नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए वो नंबर क्या है, इनपुट है सॉरी इवन है या ऑड है। इसके इतना प्रोग्रामिंग करने के बाद आपको दोस्तों पता चल जाएगा वो नंबर क्या है, इवन है या ऑड है। दोस्तों अब इसका आउटपुट थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये मैसेज प्रिंट करेगा, इंटर ए नंबर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लाइन ब्रेक होगा यानी कि नेक्स्ट लाइन होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आई का वैल्यू हमको इनपुट कराना होगा, तो आई का वैल्यू हम सपोज 21 ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा आई, ये जो परसेंट जो है एक्चुअली ये दोस्तों परसेंट यहाँ पे परसेंट ऑपरेटर की तरह यूज़ करता है। अगर इसका मतलब होता है अगर जो भी हम आई का वैल्यू इनपुट किए जैसे 21 इनपुट किए वो दोस्तों 2 से डिवाइड करेगा। अगर इसका अगर वैल्यू यानी कि इसका अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो जाए यानी कि इसका रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए तो दोस्तों ये नंबर तो ये मैसेज प्रिंट करेगा द नंबर वो जो नंबर है ये 21 इज इवन। और अगर इसका रिमाइंडर अगर 0 नहीं होता है तो दोस्तों ये नंबर ऑड वाला मैसेज प्रिंट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 20 लिखे हैं तो अगर 21 लिखे हैं 21 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 टाइम में 1 आएगा। फिर दोस्तों यानी कि 2 डिवाइड बाई 21 में क्या होता है 10 टाइम में 20 होता है। और ये जो 1 जो होता है दोस्तों ये 1 आपका रिमाइंडर बच जाता है। तो दोस्तों अगर रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है तो दोस्तों ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपको ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा द नंबर 21 इज ऑड। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।